दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वर्ल्ड कप 2023 का नोवा मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया, जिसमें शानदार गेंदबाजी की जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट चटकाए, लेकिन उससे भी लाजवाब रही अफगानिस्तान की बल्लेबाजी, क्योंकि भारत के स्पेस अटैक के सामने 272 रनों का एक बड़ा और एक सम्मानजनक स्कोर भारत के सामने रखा। लेकिन अगर हम बात करें गुरबाज की, तो 21 रन बनाए, 28 गेंदों का किया था सामना, 3 चौके और 1 छक्का उनकी इस पारी में शामिल रहा। वहीं अगर बात करें हम ज्यादा रन की, तो इन्होंने भी 28 गेंदों का सामना किया था और रन इन्होंने भी 22 ही बनाते, हालांकि 4 चौके उनकी इस छोटी सी पारी में जरूर शामिल रहे। लेकिन बात करें अगर हम रहमत की, तो 22 गेंदें इन्होंने भी खेली और रन सिर्फ 16 ही बना पाए, LBW आउट किया था साधु ठाकुर ने। बात अगर की जाए अफगानिस्तान के कप्तान की, तो शानदार बल्लेबाजी की, 88 गेंदों का सामना किया और 80 रनों की बहतरीन पारी खेली, हालांकि शतक से जरूर चूके, 8 चौके और 1 छक्का उनकी इस पारी में शामिल रहा। बात अगर की जाए अजामतुल्लाह की, तो 62 रन बनाए, 69 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 4 छक्के उनकी पारी में शामिल रहे। नबी ने भी 19 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली। लेकिन बात करें अगर हम नजीबुल्लाह की, तो 8 गेंदों में 2 रन बनाए। इस प्रकार से राशिद खान ने भी 16 रन बनाए, 12 गेंदों का सामना किया और इस प्रकार से पूरी अफगानिस्तान की टीम ने 50 ओवर पर 8 विकेट के नुकसान पर भारत के सामने 272 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर बना लिया। बात की जाए अगर भारतीय गेंदबाजों की, तो जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर डाले, 39 रन खर्चे और 4 सफलताएं उनके नाम रही। मोहम्मद सिराज ने 9 ओवर की गेंदबाजी की, 76 रन खर्च किए और कोई सफलता नहीं मिली मोहम्मद सिराज को इस मुकाबले में। हार्दिक पांड्या ने जरूर 2 विकेट चटकाए, 7 ओवर की गेंदबाजी की, 43 रन खर्च किए थे। शार्दुल ठाकुर को भी एक सफलता मिली, 31 रन दिए, 6 ओवर उनका ये स्पेल रहा। कुलदीप यादव ने भी 10 ओवर डाले, 40 रन खर्च की और एक कामयाबी कुलदीप यादव के नाम रही। रविंद्र जडेजा ने भी 8 ओवर डाले, 38 रन दिए, कोई कामयाबी नहीं मिली। इस प्रकार से रही पहली पारी। लेकिन अगर आप बात करते हैं भारत की, जब भारत की टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी रोहित शर्मा और ईशान किशन के साथ, जिसके बाद दिल्ली के मैदान पर रोहित हेटमैन शो चला। रोहित शर्मा ने 131 रनों की तूफानी पारी खेली, 84 गेंदों का मात्र सामना किया, 16 चौके और 5 छक्के उनकी इस पारी में शामिल रहे, 155 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। हालांकि राशिद खान ने उनको क्लीन बोल्ड जरूर किया, लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा ने अपना पूरा काम कर दिया था और साथ ही रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ा। 6 शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर पहले नंबर पर थे, अब 7 शतक लगा करके रोहित शर्मा पहले नंबर पर पहुंच चुके। साथ ही क्रिस गेल का भी इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इस प्रकार से रोहित शर्मा ने बेहद ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की अफगानिस्तान के खिलाफ। लेकिन अगर बात करें हम ईशान किशन की, तो ईशान किशन ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की, 47 गेंदों में 47 रन बनाए, 5 चौके और 2 छक्के उनकी इस पारी में शामिल रहे। अब विराट कोहली और बात करें श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके भारत के इस मुकाबले में बड़ी आसानी से जीत दर्ज करा दी। अब अगला मुकाबला पाकिस्तान से खेला जाएगा, कौन सी टीम जीतेगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमत राय जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।